Hey guys, welcome to my channel. This is Fashion New Chetna और in this video मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ हेयर केयर रूटीन या आप अपने बालों को कैसे मेंटेन कर सकते हो, कैसे टूटने से बचा सकते हो, कैसे इन ब्यूटीफुल बालों की जो है आप हेयर ग्रोथ कर सकते हो। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप अपने बालों को मेंटेन कर सकते हो। तो चलिए मेरे वीडियो के साथ कंटिन्यू बनी रहिए और देखिए कि मैं अपने बालों को कैसे मेंटेन रखती हूँ, शाइन एंड सिल्की रखती हूँ। हेयर को टूटने से बचाने के लिए और उनकी अच्छी ग्रोथ के लिए और उनको शाइन और ब्यूटीफुल बनाए रखने के लिए आपको हेयर ऑयल मसाज बहुत ज़रूरी है। आपको वीक में 2 बार जो है आपको हेयर ऑयल मसाज करना चाहिए और अपने बालों को जो है अच्छे से वॉश करना चाहिए। तो मैं इस वीडियो के अंदर आप लोगों को बताऊंगी कि आप कैसे प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं या जो प्रोडक्ट मैं यूज़ करती हूँ वो भी आप यूज़ कर सकते हैं अपने बालों को हेल्दी शाइन और टूटने से बचाने के लिए। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मैं कौन से प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ। मैं यहाँ पे यूज़ करती हूँ पर्सोना कोकोनट ऑयल जो 190 रुपीज़ का आता है 500 ml, और इस ऑयल के अंदर मैं मिक्स करती हूँ नायका टी ट्री एसेंशियल ऑयल। ये बहुत ही अच्छा ऑयल है, इसमें जो मेरा फ्लेवर है वो लेवेंडर, बहुत अच्छी खुशबू देता है ये। और इसे ऑयल में मिक्स करने के बाद, अप्लाई करने के बाद इतना लाइट हेयर फील होता है और इतनी अच्छी नींद आती है अप्लाई करने के बाद। और जब नेक्स्ट डे आप अपने हेयर वॉश करते हो तो इतने लाइट हेयर फील होते हैं, ऐसा लगता है आपके सर पर बाल ही नहीं है और इतने शाइन और सिल्की लगते हैं। तो ये ऑयल जो है आप हमेशा यूज़ करें। आप चाहें तो इसे जब आप घर पर हेयर स्पा करते हो, मैं आप लोगों के लिए एक हेयर स्पा वीडियो भी बनाने का सोच रही हूँ, तो हेयर स्पा के अंदर जब आप हेयर ऑयलिंग करते हो तो इस टी थ्री ऑयल को भी जो है उस ऑयल के साथ में मिक्स कर सकते हो। और हाँ, एक चीज़ मैं आपको ज़रूर बताऊँगी कि जब भी आप हेयर ऑयल करो हमेशा उसे गुनगुना करके अपने रूट की जो ग्रोथ होती है उसमें अप्लाई करना चाहिए। उससे अप्लाई करने से जो हमारी रूट की ग्रोथ होती है वो अच्छे से बढ़ पाती है। और दूसरा क्या है कि रूट में अप्लाई करने से आपके हेयर को पूरा एक नरिशमेंट मिलता है, इसलिए आपको हेयर रूट में अप्लाई करना ऑयल बहुत ज़रूरी होता है। अब मैं आपको बताऊंगी कि आपको अपने हेयर की ऑयल मसाज कैसे करनी चाहिए। आपने देखा होगा मैंने अपनी हेयर की
ऑयल मसाज कैसे करनी है, आपको वीक में दो बार इस तरीके से अपनी हेयर की मसाज करनी है, उसके बाद में जिस भी तरीके से आप चाहो इम्पन बना के, या आपको जैसे कि आप पोनी टेल बनाते हो वैसे बना के आपको सो जाना है, और सुबह जब भी आप चाहो तब इसे अच्छे से वॉश कर लेना है। आप देखोगे नेक्स्ट डे आपको बाल इतने लाइट फील होंगे, इतने हेल्दी और स्मूथ फील होंगे। जैसे कि आप देख सकते हो मैंने आज अपने हेयर को वॉश किया है और नाइट में मैंने हेयर ऑयलिंग करी थी, तो मेरे बाल मुझे इतने लाइट फील हो रहे हैं, सिल्की हेल्दी फील हो रहे हैं। इस तरीके से आपको वीक में दो बार हेयर ऑयल मसाज करनी है, और दो बार ही आपको वीक में आपको जो है हेयर वॉश करना है, तो आपके बाल जो है बहुत हेल्दी बने रहेंगे। और मंथ में एक बार आपको हेयर स्पा लेना बहुत ज़रूरी है। अगर आप मेहंदी लगाते हो या आप जो भी मार्केट के कलर होते हैं वो अप्लाई करते हो, तो आपको हेयर स्पा लेना बहुत ज़रूरी है। इससे हमारे बाल जो है बहुत हेल्दी बने रहते हैं, ब्यूटीफुल बने रहते हैं और शाइन करते हैं। तो आपको हेयर ऑयलिंग और हेयर स्पा लेना बहुत ज़रूरी होता है। इसके अलावा आप अपने हेयर की ग्रोथ बढ़ाने के लिए या उनको और भी शाइन बनाने के लिए आप वीक में एक बार जो कर्ड होता है घर पर उसको रूट में अप्लाई कर सकते हो, इस तरीके से अप्लाई कर सकते हो। इससे भी क्या होता है कि आपके हेयर शाइन बने रहेंगे। अदरवाइज अगर आप कर्ड लगाना पसंद नहीं करो तो आप एग जो होता है उसको तोड़कर आप अपनी रूट में अप्लाई कर सकते हो, हेयर की रूट में, और उसे पूरे हेयर पर लगा सकते हो। उससे भी आपके बाल जो है बहुत सिल्की बने रहेंगे, बहुत स्मूथ बने रहेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो होती है अपनी हेयर को हेल्दी एक शाइन लुक देती है। इसलिए हमें हमारे हेयर को शाइन और ब्यूटीफुल और हेल्दी लुक देने के लिए हमारे को हेयर कर करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप सोच रहे हो कि मेरे बाल बहुत टूटते हैं, बहुत रफ हो गए हैं या बहुत वाइट हेयर हो गए हैं, तो डेफिनेटली आप अपने हेयर का केयर बिल्कुल नहीं कर रहे होंगे। तो जिन लोगों के भी हेयर टूटते हैं या बहुत ही रफ हो गए हैं, तो वो आज से ही अपना हेयर केयर स्टार्ट कर दीजिए, और डेफिनेटली आपको वन मंथ के अंदर बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और इन चीज़ों को अप्लाई करने के अलावा हमें जो है एक दिन के अंदर 5 to 6 लीटर पानी भी पीना चाहिए, और खाने के अंदर बहुत सारा मतलब न्यूट्रिशन खाना चाहिए। लाइक हमें दाल खानी चाहिए, हरी सब्जियां खानी चाहिए। ऐसा नहीं होता कि सब लोग खा सकते हैं सारी हरी सब्जियां, मैं खुद सारी हरी सब्जियां नहीं खाती हूँ, बट ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट्स ये अपने फूड में ज़रूर मिक्स करें। इससे हमारे हेयर जो है अच्छी ग्रोथ करेंगे, शाइन करेंगे। सब कुछ प्रोडक्ट अप्लाई करने से नहीं होता है, थोड़ा बहुत खाना भी चाहिए। तो आप अच्छे से खाओगे और पानी अच्छे से पीना है आप लोगों को। अगर आप पानी भी अच्छे से पियोगे तो डेफिनेटली आपके को हेयर के जो है बहुत अच्छे रिजल्ट बहुत जल्दी मिलेंगे। तो गाइस आप ये चीज़ फॉलो करिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको इफेक्ट लगे, आपको रिजल्ट्स मिले कि नहीं मिले। सो गाइस ये था मेरा हेयर केयर रूटीन। अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल, और आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना अगर आपको 1 week 2 week अप्लाई करने के बाद आपको कुछ रिजल्ट मिलते हैं, तो आप मुझे ज़रूर बताना। मैं इस तरीके से आपकी हेल्पफुल वीडियो लाती रहूँगी।